तो आज मैं आप लोगों के लिए लाल साग के डंठल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अधिकतर लोग क्या करते हैं, इसके डंठल को फेंक देते हैं और साग को बना लेते हैं, लेकिन इसकी जो सब्जी है बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसलिए साग जब भी लाएं तो डंठल को ना फेंके। तो उससे आज मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैं डंठल को काट कर अलग कर ली हूँ। ये बहुत पतले पतले और खिंचे डंठल है, इसकी सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें से थोड़े से साग थे उसे मैंने निकाल लिया है। तो इस तरह से साग को मैं खरीद कर लेकर आई थी और इसके ऊपर वाले भाग को हम इस तरह से निकालेंगे। साग को मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है। डंठल के जो पिछले भाग होते हैं, जो मिट्टी के अंदर होते हैं, उसे हम काट कर निकाल देंगे। इसे हम हाथों से ही तोड़कर निकाल देंगे। ये बहुत खिंचे होते हैं, तो देख सकते हैं मैं इसे हाथों से ही तोड़कर इस तरह से रख ली हूँ। इसे मैं कुछ मसाले ली हूँ, जिसमें थोड़े से मेथी के दाने, यहाँ मैं 4 सूखी मिर्च और इसमें 4 से 6 लहसुन की कलियाँ होगी और 1 चम्मच राई के दाने, यहाँ पर मैं 1/2 छोटा चम्मच पोस्तू के दाने ली हूँ जिसे आप पॉपी सीड्स बोलते हैं, और 1 टमाटर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टमाटर, पॉपी सीड्स और मसाले को हम एक साइड कर देते हैं और साग और डंठल को हम रखते हैं। इधर गैस पर मैंने कढ़ाई को आगे ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस सब्जी को बना सकते हैं। इसमें बहुत थोड़ा तेल लगता है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, तो जो मैंने मेथी के दाने लिए थे उसे हम इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर 4 सूखी मिर्च ली थी, उसमें से 1 मिर्च को हम ले लेंगे और इसे हम बीच से तोड़कर डाल देंगे। जो मैंने साग रखे हैं उसे हम अभी साइड कर देंगे। जो मैंने डंठल लिए हैं तो डंठल को हम सबसे पहले तेल में डालेंगे। तो डंठल को मैंने इसमें डाल दिया है। साग को अभी हम इसमें नहीं डालेंगे। अभी इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक हल्के से भून लेते हैं, क्योंकि इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इसे हम बिना ढके ही भूनेंगे। तो जब तक हमारी डंठल भून रही है, तब तक इसके लिए हम मसाले पीस लेते हैं। तो जो मैंने पॉपी सीड्स लिए हैं उसे हम सबसे पहले मिक्सर जार में डाल देंगे। 3 जो मिर्च ली हूँ, तो मिर्च के डंठल को हम तोड़कर निकाल देंगे। लहसुन के ऊपर वाले छिलके को भी हम निकाल देंगे और जो मैंने सरसों रखे उसे भी इसमें डाल देंगे। 1 टमाटर जो मैंने ली थी उसमें से 1/2 टमाटर हम इसी तरह रफली काट कर इसमें डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक महीन पेस्ट बना लेते हैं। मसालों में मैंने थोड़ा सा पानी देकर इसे महीन पीस लिया था। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मिक्सर जार में जो भी लगे हुए हैं उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे भी हम धोकर इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि धनिया पाउडर जो है हमारा अच्छे से फूल जाए। इधर देख सकते हैं डंठल भी हमारा भुन गया है। अब जो मैंने 1/2 टमाटर काट के रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे। इधर जो मैंने साग रखे थे उसे भी हम इसमें डाल देंगे, ताकि साग और टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अभी मैंने इसमें हल्दी और नमक बिल्कुल भी नहीं डाले हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। नमक हम एकदम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि सब्जी जो है पकने के बाद बहुत थोड़ा हो जाता है, इसलिए नमक ध्यान से ही डालिएगा। जरूरत पड़ेगी तो बाद में डाल दीजिएगा, लेकिन बनाते समय इसमें थोड़ा ही नमक डालिएगा। नमक और हल्दी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेते हैं। इसे हमें ढकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं कि बिना ढके ही ये सब्जी अच्छे से सीज जाती है। तो देख सकते हैं डंठल हमारा एकदम भी सॉफ्ट हो गया है। तो सब्जी को मैंने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। देख ही रहे होंगे आप कि सब्जी भूनने के बाद कितना थोड़ा हो गया है। अब जो मैंने मसाले बना के रखे हैं उसे हम इसमें डाल देंगे। कटोरी में जो भी थोड़े बहुत लगे हैं उसमें भी पानी डालकर इसे हम डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनेंगे।
ये सब्जी इतनी टेस्टी लगती है खाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती है। टेस्टी के साथ में ये हेल्दी भी है। एक बार ज़रूर से इस सब्जी को बनाकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। यदि आप मछली खाते हैं तो इसमें मछली तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इसका जो स्वाद है मछली के जैसे आता है और सब्जी बनने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगती है। तो इसे हम 2 मिनट तक ढककर अच्छे से भून लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं और सब्जियां और मसाले हमारे अच्छे से भुन गई है। अब इसमें हम जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियां हमारे आगे ही सॉफ्ट हो चुकी है। ग्रेवी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये सब्जी थोड़ी गाढ़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। पानी डालने के बाद इसे हम सिर्फ 1 से 2 मिनट तक खुले में ही पका लेंगे। तो इसे मैंने 1 से 2 मिनट तक खुले में ही पका लिया है और हमारी सब्जी जो है बनकर तैयार है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये जो है दाल चावल के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। यदि आप रोटी खाते हैं तो रोटी के साथ में भी इसे बनाएं, ये बहुत ही हेल्दी है। तो लीजिए, लाल साग की डंठल की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। यदि आप भी लाल साग की डंठल को फेंक देते हैं तो इसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें। इसे इस तरीके से बनाएं, जो लोग मछली खाते हैं ना वो खुद समझ जाएंगे कि इसमें मछली वाला टेस्ट आता है, क्योंकि मैंने इसमें सरसों की मसाले डाली हैं, एकदम बिल्कुल मछली की तरह लगती है। इसे आप गरम गरम दाल चावल या रोटी चपाती के साथ में भी आप इसे सर्व करें। यदि बच्चे आपके घर में साग नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप डंठल की सब्जी को बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएंगे। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसे जरूर से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।